कमजोर आ रहा है, ओके, क्रॉलिंग बेबी, बेबी इज क्रॉलिंग एंड इज टेकिंग एन बेबी स्टेप गिर जा रहा है ठीक। You all can relate, no? A small baby crawling, maybe 8-9 months baby, and trying to take a baby step, he will not stumble. बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, फिर ताज गिर जाता है। अब उसके जो नाना जी है, बड़े पढ़े लिखे नाना जी है, वो उठा लेते हैं बच्चों, चोट लगती है, खून नहीं पता, लेकिन बच्चा होने लग जाता है। अब नाना जी बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा मतलब काफी रिटायर हो गई है, काफी एजुकेटेड, सुपर मैच्योर, वो बच्चे के सामने क्या कर रहे हैं? Can you imagine what he must be doing? Just think of our school days. बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ खिलौना वगैरह देंगे, क्या हो सकता है उसकी माँ वगैरह होगी, उन्होंने क्या किया होगा? जिसको मारा होगा एकदम सही कहा, बच्चे की तारीफ करो, सॉरी तो ठीक क्या होगा? What that person did, what usually we do, I'm talking about how conditioning, you know, is done, how habits are formed, how the seeds are sown into the tender hearts and tender minds. देखो छोटे बच्चे को उठाया, ठीक है, उसको सहलाया वगैरह, ठीक है, प्रॉब्लम छोटे लेकिन उन्होंने वो तो किया, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा जो नेगेटिव काम किया, पता है क्या किया? जो इतना खतरनाक काम किया, वो टेबल को, वो जमीन को, वो चेयर को, जिस चीज को टकराया बच्चा, उसको पीटना चालू कर दिया, स्टार्टेड बैंगिंग दैट, और पता है क्या, मेरे मुन्ने को मारा। अब बच्चे के सहन में पता नहीं बच्चा ऐसे देखा, अब वन ईयर हो तो मेरे इतना हाल ही है, अब उसकी जहन का जाए, वो बोल ही कमेश मान लो सर, अब उसको ये समझ में आ रहा है कि यार जिस चीज की वजह से मुझे चोट लगी, मुझे दर्द हुआ, उसकी गलती होना होती है, वो तो अपनी जगह उसी गलती है, पर जिसकी वजह से वो आ रहा उसको जाके मारा, आपने देखा नहीं बच्चे वो कुछ भी खिलवा लेते हैं, हमने की बैठे तो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, हार जाता है, मार जाता है। कितनी बार ऐसे ग्राम बना, कितनी बार पॉजिटिव थॉट्स आए, पॉजिटिव बोला, कितनी बार दिन में पॉजिटिव थॉट्स आए, कितनी बार नेगेटिव थॉट्स आए, कितनी बार आप जलस हुए, कितनी बार आपको गुस्सा आया, कितनी बार आपको प्यार आया, कितनी बार आपको रोना है, कितनी बार आपको सैडनेस हुई, इसको लिखो आप, एंड ट्राई टू स्विच फ्रॉम मन दैट नेगेटिव एरिया टू पॉजिटिव एरिया, एंड हाउ यू कैन डू दैट, दैट आई विल डू, पहले आइडेंटिफाई तो करो, रिकॉग्नाइज तो करो, क्योंकि इमोशनल अगर आप इंटेलिजेंस नहीं समझ पाओगे तो आपका आईक्यू डेवलप नहीं होगा।